अब खत्म हो गई है। आदिवासी अंचल से लोकसभा चुनाव का आगाज होगा, इस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। झाबुआ में माना जा रहा है कि कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री का चुनावी अभियान का आगाज वहां से ही प्रधानमंत्री करेंगे। फरवरी के दूसरे सप्ताह से दिग्गज मैदान में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ दिग्गज मैदान में मोर्चा संभालते हुए नजर आने वाले हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह छिंदवाड़ा में सभाएं करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, वो भी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। महीन सिंह प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, संगठन महामंत्री आनंद शर्मा भोपाल में मोर्चा संभालते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये वो सार है जो आज क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में सामने आया है। हर एक दिग्गज को एक रणभूमि दी जानी है, ये समझ लीजिए आप। हर क्लस्टर पर हर एक व्यक्ति का जोर रहेगा और अपने बल पर पार्टी को विजय बनाएंगे, इस संकल्प के साथ आगाज चुनावी अभियान का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना है। फरवरी एंड से आप ये समझिए कि फुल इलेक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी आपको धरातल पर नजर आएगी। फिलहाल इलेक्शन मोड बैठकों तक सीमित है। इस बैठक को लेकर यही जानकारी कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तो बात हुई है, लेकिन अलग अलग क्लस्टर किस प्रकार से काम करेंगे इस पर भी मंथन चला है। सीधे आपको ले चलते हैं सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, बैठक खत्म हो गई है, कुछ दो तीन चीजें जो निश्चित थी सामने आई है, बहुत महत्वपूर्ण चुनावी अभियान के लिहाज से, चाहूंगी बताएं वो आप। देखिए बिल्कुल, जो क्लस्टर प्रभारी थे उनकी बैठक खत्म हो चुकी है और विस्तारकों और जो प्रभारी हैं उनके साथ अभी लगातार मैराथन बैठक का दौर जारी है। जो सबसे प्रमुख बात सामने आई है वो जो है कि मध्य प्रदेश में अब फरवरी के दूसरे सप्ताह से दिग्गजों का दौरे मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिनका दौरा पहले ही प्रस्तावित हो चुका है, 11 फरवरी को वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो राजनीति के चाणक कहे जाने वाले अमित शाह की बात हो, राजनाथ सिंह की बात हो या अन्य जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है कि वो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बड़ी सभाएं करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस जो है वो छिंदवाड़ा पर है, क्योंकि देखो मिशन 29 का नारा बीजेपी ने दिया है, तो ऐसे में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा बचती है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है, तो उस सीट को भी कैसे भाजपा के कब्जे में लाया जाए इसको लेकर प्रयास होगा। और संगठन से जुड़े जो नेता है, चाहे जो प्रभारी सह प्रभारी हो या फिर संगठन के महामंत्री हो, वो सब के सब लोग राजधानी भोपाल में बैठकर प्लान तैयार करेंगे। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, केंद्र के जो मंत्री हैं, वो करेंगे। तो अभी जो है वो क्लस्टर्स की बैठक हुई है, उसके बाद अभी विस्तारकों की बैठक चल रही है और उसके बाद जो अन्य कार्यकर्ता है, चाहे वह प्रभारी हो या संयोजक हो, जो टोलियां बनाई गई हैं उनकी भी बैठक आज होने वाली है। तो जब सभी बैठकें कंप्लीट होंगी उसके बाद पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने मिशन 2024 के जो 29 लोकसभा क्षेत्र जीतने हैं उसके लिए किस तरह का रोड मैप तैयार किया है। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात के आगे पार्टी इसे किस तरह से देखती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो ना सिर्फ सत्ता संगठन पर फोकस, बल्कि अलग अलग प्रशासनिक अमले को भी सजग बनाना डॉक्टर मोहन यादव का काम है, और इसी के चलते ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि पाठशाला आज सीएम और मंत्रियों को देखने को मिली है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय लीडरशिप समिट का आयोजन किया जा रहा है। 17 नए मंत्री समेत सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। जब से मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से आप उन्हें एक्शन मोड में देख रहे हैं, जहां वे एक के बाद एक फैसले भी लेते हैं। मोहन कैबिनेट को बने 1 महीना पूरा हो गया, जिसमें से 17 पहली बार मंत्री बने, ऐसे भी चेहरे हैं। और ऐसे में नए मंत्रियों को लीडरशिप के गुणों के साथ साथ इस ट्रेनिंग में मैनेजमेंट फाइनेंस के गुर सिखाए जाएंगे। वर्कशॉप लगाती रही है, करती रही है। हमारे कार्यकर्ता जब सरकार में बैठे होते हैं तो स्किल्ड और ट्रेंड कार्यकर्ता कैसे बने, कैसे और अच्छे से जनता को तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं और विकास और सुशासन जन कल्याण की योजनाओं की सफल क्रियान्वयन की तरफ लेकर जाएं, इन सब चीजों को लेकर निश्चित तौर पर ये नित नए प्रयास होते रहेंगे, आगे भी होंगे। सुना है महाराष्ट्र से विशेषज्ञ बुलवाए जा रहे हैं, मेरा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि 18 सालों की शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार में उन विशेषज्ञों को बुलवा लिया जाए जो मंत्री रहे हैं,
जिन्हें सरकार का पूरा संरक्षण था, उनसे ट्रेनिंग ली जाए तो भाजपा का भी भला होगा, मंत्री जो मौजूदा है उनका ही भला होगा, सरकार भी जो चाहती वो होगा भला। बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है, यहीं इतने विशेषज्ञ हैं, और विशेषज्ञ नहीं, उस पाठशाला में अब कुलपति हो गए 18 साल में जो मंत्री थे, तो उन्हें बुलवाया जाए, वो सारे मामलों के विशेषज्ञ हैं। और एक और बड़ी जानकारी कांग्रेस के लिहाज से, जहां बीजेपी में तो एक तरफ पार्टी में लगातार मंथन चल ही रहा है, तो उसी तरफ कांग्रेस भी अपनी बैठक शुरू कर चुकी है, जिसमें प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति के सदस्यों को बुलाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा चल रही है। संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल यहां पर मौजूद है। वो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कोई ना कोई संदेश जरूर देकर जाए कि कैसे आगामी समय में लोकसभा चुनाव को लेकर आपको रणनीति सेट करनी है, क्या कुछ आगे करना है, इसका मंत्र जरूर आज दिया जाएगा। तो टिकट पर मंथन की बैठक लगातार जारी है। हमारे से प्रशांत कटारे अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रोक लेते हैं। प्रशांत, एक तरफ लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा, दूसरी बात यह भी कि जीतू पटवारी को लेकर भी खबरें चल रही थी, कोई उनके लिए भी लोकसभा का रास्ता साफ होने वाला है, दोनों चीजों पर ही जानकारी। बिल्कुल, देखिए दरअसल ये बैठक चल रही है, बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, जीतू पटवारी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, और खासतौर से जो चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं रजनी पाटिल वो पहुंची हुई हैं, सदस्य प्रगट सिंह कृष्णा अली वरू भी पहुंचे हुए हैं, सभी बैठक में शामिल। जो मुख्य मुद्दा चेहरों को लेकर ही है, हालांकि जब हमने सवाल किया नेताओं से, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी इस जो सदस्य हैं प्रदेश चुनाव समिति के, वो भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह हो, सज्जन सिंह वर्मा हो। जब हमने पूछा क्या बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने पर रास्ता साफ हो सकता है, तो बोले स्वाभाविक, उन्होंने साफ किया कि भाई बैठक है, बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी। जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि हो सकता है कि जीतू पटवारी को भी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाए, केवल जीतू पटवारी ही नहीं बल्कि जो दरअसल बीजेपी का एक फॉर्मूला है, बड़े नेताओं को केंद्र से लाकर भी मध्य प्रदेश में बीजेपी में विधानसभा चुनाव में उतारा था, तो इस रणनीति पर भी कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। जीतू पटवारी जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं, दूसरे बड़े नेता, उनको भी लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, क्योंकि अब मकसद लोकसभा चुनाव जीतना है, ना कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस यहां से निकाल सकती है वो उसके लिए केंद्र में बेहतर होगा। हालांकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, लास्ट 2019 में महज एक लोकसभा सीट हाथ में आई थी। अब कोशिश इस बार ये होगी कि कैंडिडेट के दम पर पार्टी खुद को मजबूत करे, इसी मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक अभी चल रही है। हमने जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के नजरिए से वो आए थे, उनसे भी हमने पूछा, उनसे भी ये सवाल किया गया था कि क्या ईवीएम को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे, कांग्रेस सवाल उठाती रही, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। हां, नेता जरूर उठाते रहे, लेकिन हमारा फोकस बेहतर जो उम्मीदवार है उसको तलाशना है, इसके लिए हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठक के बाद फिर हम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनकी भावनाएं भी समझेंगे, उनके मन की बात भी समझेंगे कि आखिर उनके अंदर चल क्या रहा है। चूंकि कांग्रेस चूंकि चुनाव हाल में हारी है, इसको लेकर थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि मन जरूर कमजोर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का। कह रहे हैं प्रशांत, और मुझे लगता है इसीलिए ही मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। एक तरफ कांग्रेस की बैठक और दूसरी तरफ छिंदवाड़ा का जिक्र कर लेते हैं, जहां कमलनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया, प्रमोद कृष्णम पर एक बड़ा बयान उनकी तरफ से, कोई किसी भी पार्टी में बंधा नहीं है, जिसको जहां जाना है जा सकता है, कमलनाथ की तरफ से कहा जा रहा था आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए। ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है, सबसे चर्चाएं हो रही है, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे, जो राजनेता छोड़ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। ये आपने सुना, कमलनाथ की तरफ से कहा गया है कि कोई किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, जिसको जाना है जा सकता है। सही, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए इस प्रकार का बयान, हालांकि इससे पहले हमने तमाम ऐसी खबरें देखी हैं जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम सीधे तौर पर पार्टी की रणनीति को क्वेश्चन करते नजर आए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
चाहे वह राम मंदिर का मामला हो या इसके पहले भी तमाम इस तरह के जो मामले आए हैं, उन्होंने कई बार अपने नेताओं को ये ताकीद दी कि इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, भले ही राजनीतिक दल अलग है तो क्या है, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए, ये आचार्य प्रमोद कृष्ण कई बार कहते नजर आए। और अब जिस तरीके से सत्ता के गलियारे में ये अटकलें लगाई जा रही है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण बीजेपी का दामन थाम सकते, और यही कारण है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्ण से बात हुई है, क्या वो जा रहे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई पार्टी से बंधा नहीं है। और ये कोई पहली बार कमलनाथ ने नहीं कहा, इसके पहले भी अगर हम देखें तो 2020 में जब सरकार गिर रही थी तब भी उनसे जब लगातार सवाल होते थे, उन्होंने कहा था कि जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, मैं नहीं रोक सकता हूं, रोका डंडे की जोर पर किसी को भी पार्टी में नहीं रखा जा सकता। और अभी जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के पहले भी हमने देखा कि कई बार कांग्रेस के नेता जो है भाजपा के पाले में चले गए, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो आना चाहता है वो आए। बिल्कुल, अब चलिए देखने वाली बात किस रिएक्शन के बाद किस प्रकार की हलचल पार्टी में मचती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, मौत की खबर लगातार पूनम पांडे की चल रही थी, इस बीच उनकी तरफ से खुद एक बयान सामने, उन्होंने कहा है कि मैं जिंदा हूं, पूनम के मौत की खबर सामने आई, उसके बाद उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर मुझे जागरूकता फैलानी थी और इसलिए मौत की खबर सामने रखी। Those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. और आगे खबर दतिया से है, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बीती रात दो जगहों पर फायरिंग की घटना हुई है, एक तरफ रामनगर कॉलोनी, दूसरी तरफ राजघाट कॉलोनी, दोनों ही जगहों पर फायरिंग को लेकर सूचना है। गोली चलने से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना भी कैद हुई है। और ये कहना गलत नहीं कि बेखौफ है बदमाश, दतिया में पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में आप फायरिंग की खबरों में भरमार ही देखेंगे। दतिया में एक बार फिर से गोली चली, दोनों ही इलाकों को लेकर पुलिस भी सतर्क। सही के अशोक शर्मा जुड़ रहे हैं, अशोक बताइएगा दोनों ही वारदातों को लेकर विस्तार से। देखिए वंत का, दतिया में बदमाशों के कह सकते पूरी तरह बेखौफ और कानून को पैरों तले रौंदने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये बीती रात की घटना है, एक जगह रामनगर कॉलोनी में बदमाशों ने गोलियां चलाई जबकि दूसरी जगह राजघाट में चलाई है। तो एक जगह तो सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो उनकी वारदातें वहां पे कैद हो गई, लेकिन दूसरी जगह जो हमारे पास जो दरवाजे पे बहुत सारी गोलियों के निशान हैं, वो उसके फुटेज बता रहे हैं कि बदमाशों ने कितनी गोलियां चलाई हैं और वो कितने बेखौफ हैं। ये एक महीने में सातवीं आठवीं घटना है जहाँ पे बदमाश इस तरह से बेखौफ दिखे हैं और दनादन गोलियां चला रहे हैं। यही तो चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका शुभ जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, ये तस्वीरें जो बयां करती हैं कि फायरिंग एक घर पर हुई है, और दूसरी तस्वीर ये जो सीसीटीवी कैमरे का जिक्र किया जा रहा था, यही फुटेज जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए, फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। दोनों तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों की हैं। और इंदौर में आरक्षक को 10 साल की सजा सुनाई गई है, रिटायरमेंट के 2 साल पहले आरक्षक को सजा हुई है। और चौंका देने वाली बात यह कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षक ने नौकरी ली और इसके बाद इसका खुलासा हुआ 40 साल बाद। फर्जी प्रमाण पत्र जिसके सहारे भर्ती हुई थी आरक्षक की 1983 में, और 2006 में शिकायत मिली, मामला दर्ज हुआ और अब ये जानकारी सामने आती है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, आरक्षक का ये एग्जाम्पल तो एक है, बहुत हो सकते हैं ऐसे।
बिल्कुल बहुत हो सकते हैं, और पूरे मामले की अब जांच भी शुरू की जा रही है जिस सन में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। 1983 का पूरा ये मामला है, और 1983 में जब ज्वाइनिंग हुई थी तब फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा देकर नौकरी हासिल की गई थी, और उसके बाद 2006 में शिकायत हुई, और 2006 में शिकायत के बाद ये पूरा मामला जांच में था। और फिलहाल जब सजा हुई है, जब नौकरी 2 साल की और बाकी है, मतलब रिटायरमेंट में 2 साल बाकी है, पूरी नौकरी जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निकल गई, महज 2 साल बाकी है, उस वक्त कोर्ट ने सजा सुनाई है, 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला मामला सामने आया, और सबसे बड़ी बात है, हैरान कर देने वाला मामला है कि 2006 में शिकायत हुई थी, और 2006 से 2024 एक इतना लंबा वक्त गुजर गया एक जांच में, और जिसके खिलाफ ये शिकायत की गई थी। मुझे लगता है कि त्वरित कार्रवाई की जरूरत होती है ऐसे मामलों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश फिलहाल।